नमस्कार, मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उपाय के साथ आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि जूतों की अलमारी वास्तु के अनुसार कैसे और कहाँ रखनी चाहिए, हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने जूतों की अलमारी सेट करें। तो आइए शुरू करते हैं वास्तु की बात मान्या के साथ। जैसे आप सब जानते ही हैं कि वास्तु के अनुसार घर में हर चीज का एक स्पेशल निश्चित प्लेस है, हर वस्तु का एक निश्चित प्लेस है। तो हर एक के लिए एक स्पेसिफिक दिशा बताई गई है, जोन बताई गई है। ऐसे ही जूतों के लिए भी एक स्पेसिफिक जोन बताई गई है। उसे जब हम जूतों को हम स्पेसिफिक जोन में रखते हैं तो उससे हमें पॉजिटिव जो है रिजल्ट्स आते हैं। यही अगर हम जूतों को इधर से उधर कहीं पे भी किसी भी जोन में रख देंगे तो उससे हमारी उन्नति रुक जाती है। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम उसको सही जगह पर रखें, और अगर हम उसको सही जगह पर ना रख सकें तो उसके लिए क्या उपाय हैं, यह है आज मैं आपको बताऊंगी। जब हम जूतों को सही जगह पर नहीं रखते या हम जो अपने शू रैक है उसको सही जोन में नहीं रखते तो हमारी उन्नति में फर्क आने लगता है, हमारी उन्नति में जो है बाधा आने लगती है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ये ग्रोथ किसी भी तरीके से हो सकती है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है या फिर हमारे जो है वेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, एडुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, नौकरी से रिलेटेड हो सकती है। किसी भी परेशानी में जो जब इस तरीके की कोई भी परेशानी आने लगे तो आपको चेक करना है घर में कि आपने अपने जो जूते हैं, जो शू रैक है, वो कहाँ रखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको वास्तु के अनुसार जूतों का जो जोन होता है, शू रैक का जो जोन होता है, वो कौन सा होता है। जो बेस्ट डायरेक्शन होती है, जो जोन होता है शू रैक के लिए, वो होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो आप कोशिश करें कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपने शू रैक को, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी भूल कर भी शू रैक्स या फिर जूतों की अलमारी नहीं रखनी चाहिए। जल और तत्व, जो जल तत्व है और वायु तत्व है, इन दोनों जोन्स को, इन दोनों डायरेक्शंस को, दिशाओं को साफ सुथरा रखें। इनमें कभी भी जूतों की अलमारी नहीं रखनी चाहिए। कई बार घरों में देखा जाता है कि उनके नॉर्थ वेस्ट में शू रैक रखने की जगह नहीं होती है। तो अब ऐसे में क्या करें, ऐसे में शू रैक आप जहां पे भी रख रहे हैं तो उसको उसके जोन के कलर के हिसाब से पेंट करें या फिर उसी कलर के हिसाब से, उस जोन के कलर के हिसाब से ही शू रैक खरीदें। आप जोन के अनुसार शू रैक के रंगों का चुनाव कर सकते हैं, दिशा के अनुसार भी रंगों का चुनाव करना बेस्ट रहता है। उससे क्या होता है, वो बैलेंस कर देता है, उस जोन को बैलेंस कर देता है। अगर आपके शू रैक जो है, अगर आप शू रैक को साउथ में रख रहे हैं तो उसका कलर आप जो है साउथ के कलर के हिसाब से बैलेंस करते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शू रैक जहां, जिस भी जोन में आप रख रहे हैं, उस जोन में आपको उसके सफाई करके, हमेशा उसको उसकी निरंतर साफ सफाई होनी चाहिए। उसमें आप कपूर को भी डालकर रख सकते हैं, उसको आप हमेशा ऑर्गेनाइज करके, उस शू रैक को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कुंडली में जो शनि की स्थिति है वह कैसी है। हमें यह देखना जरूरी होता है कि शनि हमारे किस ग्रह में बैठा है, जिसकी वजह से हम कहीं भी किसी भी जोन में हम अपने शू रैक को नहीं रख सकते। तो ये हम एस्ट्रो वास्तु से चेक करें। अगर कुंडली में शनि जो है नेगेटिव हाउस में बैठा है या वो आपके नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, तो जूतों की अलमारी जो है वह व्यक्ति के जिंदगी में समस्याएं खड़ी कर सकती है। वास्तु के ज्योतिष उपायों के द्वारा शनि के जो भी वस्तुएं हैं वो कुंडली के अनुसार जब हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो उसके हमें जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में परेशानियां दूर होने लगती हैं। आप लोगों में से कई लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वास्तु के सॉल्यूशंस दूं, न्यूमरोलॉजी के सॉल्यूशंस दूं। आप मुझे जो है अपने जो भी क्वेरीज हैं या फिर आपके जो भी आपको सॉल्यूशंस चाहिए, आप वो मैसेज में लिख सकते हैं। आप उसके लिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिल सके, मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं या फिर जो भी आप लोगों की सॉल्यूशंस आप लोगों को चाहिए, वो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिए, मैं कल फिर से मिलूंगी आपको इंडिया न्यूज एस्ट्रो पे। तब तक के लिए नमस्कार।